सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ फेसबुक पेज कैसे बनाए। फेसबुक पेज बनाने से आपको क्या फायदा पड़ता है? फेसबुक पेज बनाकर आप वीडियो अपलोडिंग कर सकते हैं, फोटो अपलोडिंग कर सकते हैं, कोई सा मीडिया का वीडियो यहाँ पे अपलोडिंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ फेसबुक पेज किस तरह से बनाया था। आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें घंटी प्रेस करिए ताकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। यहाँ चलिए मैं फेसबुक को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक को जैसे ओपन करेंगे आपके पास इस तरह का पेज खुल के आपके पास यहाँ पे शो करेगा। आपको साइड में यहाँ पे 3 डॉट का आइकन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको साइड में आपको दिखा देगा, यहाँ पे पेज का ऑप्शन दिखा देगा आपको यहाँ पे पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करें यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक किया आपको यहाँ पे पेज का नाम रखना है। पेज का क्या नाम रखना चाहते हैं आप, ये पर्सनल नाम भी रख सकते हैं, कोई भी अदर नाम रख सकते हैं। यहाँ पे आप नाम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं बाद में। चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नाम पेज का, यहाँ इसको अलाउ कर देना। अलाउ जैसे करें यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करें आपको यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज़ करना, आपके पेज का क्या कैटेगरी है। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ पर्सनल ब्लॉग डाल लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ पर्सनल ब्लॉग डाल लिया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं जो चीज़ डालना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल दिया। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे मगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसका कोई वेबसाइट का कोई लिंक है तो उसके यहाँ लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई वेबसाइट का लिंक। चलिए मेरे पास यहाँ पर यूट्यूब का वेबसाइट लिंक यहाँ पर मैं डाल देता हूँ दिया। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपको यहाँ पे फोटो लगाने कह रहा है, आपके लोगो का फोटो लगाने कह रहा है, बैकग्राउंड का फोटो लगाने कह रहा है। फ्रेंड फोटो लगाने के लिए यहाँ आपको यहाँ पे देखिए यहाँ एडिट यहाँ पेंसिल का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका जो भी लोगो है फ्रेंड वाला वो लोगो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डन पे क्लिक करना है। डन पे जैसे क्लिक करने के लग रहा है यहाँ पे यहाँ सेव पे आपको क्लिक करना है। यहाँ साइड में सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ये फ्रेंड फोटो यहाँ पर ऐड हो गया। अब आपको यहाँ पे ये बैकग्राउंड का फोटो आपको यहाँ पे लगाना है। बैकग्राउंड फोटो कहाँ से लगाना है चलिए यहाँ से मैं दिखला देता हूँ आपको। अब यहाँ पे आपको देखिए चेंज फोटो दिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करें देखिए ये फ़ोटो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फ़ोटो का आपको साइज यहाँ पर बड़ा कर लेना है। जितना फ़ोटो का आप साइज यहाँ पर रखना चाहते हो उतना आपको यहाँ पर कर लेना। चलिए मैं ये साइज इतना यहाँ पर कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर सेव के आइकन पर क्लिक करना है। सेव के आइकन पे जैसे ही क्लिक करें देखिए यहाँ पे ये फोटो यहाँ पे चेंजिंग हो गया। ये फोटो यहाँ से फोटो फ्रेंड का फिर भी चेंज करना चाहते हैं, वो फोटो मैं चेंज करा हुआ चेंज होगा। अगर ये फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो ये फोटो को यहाँ से आप चेंज फोटो पे क्लिक करके फोटो को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से मैं दूसरा फोटो यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको डन के आइकन पर क्लिक कर देना। डन पर जैसे क्लिक करें यहाँ देखिए ये मैं इसका सीधा फोटो कर लेता हूँ। अभी आपको यहाँ पर सेव के आइकन पर क्लिक कर देना। सेव के आइकन पर जैसे क्लिक करें देखिए यहाँ पर फोटो ये मेरा चेंज हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं ये फोटो चेंज हो चुका है। ये कवर फोटो लगाने के लिए आपको यहाँ पे साइड में आपको स्किप का आइकन, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे नीचे में ऐड ए फोटो कवर, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर आपको क्लिक करने के देखिए आपको ये फोटो यहाँ पे मैं चूज़ कर ले रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर डन के आइकन पर क्लिक करना। डन के आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना। देखिए यहाँ पर ये फोटो यहाँ पर देखिए सेव हो चुका है। आपको सेव करके आपको वहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका फेसबुक पेज बन का इस तरह का ऑप्शन आपके पास वहाँ पे शो कर जाएगा। देखिए मेरा फेसबुक पेज वहाँ पे मैंने सेव करा, मेरा फेसबुक पेज पूरा बन गया। आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट सक्सेसफुल पेज बन गया। अब यहाँ से आप पूरा फोटो पोस्टिंग कर सकते हो। अब जितना फ्रेंड यहाँ पर आपके फेसबुक पेज पर ज्वाइन होगा यहाँ से सब कुछ देखिए फोटो पोस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर सब कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर आपको देखिए आपको यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आपको यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ वीडियो अपलोडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे फोटो अपलोडिंग, यहाँ पे देखिए रिकवर्स, यहाँ पे सब कुछ यहाँ से अपलोडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो